हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आर्य और आप देख रहे हैं आर्या टेक गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम आई। ये मेरे पास रेडमी का 7A फ़ोन है और मैं इसमें पासवर्ड लगा के भूल चुका हूँ क्या इसका पासवर्ड है और मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार ये आ रहा है, देखिए जैसे कि मेरे फ़ोन में ये आ चुका है और फिर ये कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी पासवर्ड लग गया है और आप लगा के भूल चुके हैं और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, जैसे मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने फ़ोन से पासवर्ड कैसे रिमूव करेंगे, कैसे अपने फ़ोन को यूज करेंगे, दोबारा से यूज करने लायक बनाएंगे, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ लाइव देखिएगा, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आप अपने घर पर ही अपना फ़ोन ठीक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी पूरी वीडियो देख के सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और आप आसानी से अपने फ़ोन का पासवर्ड अपने घर में ही हटा सकते हैं। एम आई के 7A के लिए ही नहीं है, बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे 7A, 8A, 9A, 9 प्राइम, नोट 9, नोट 10 एंड नोट 8, सबका प्रोसीजर लॉक हटाने का एक ही है। तो जैसे कि मेरा कुछ टाइम के लिए हो गया, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन दबा के ऑल क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मेरे पास 7A है और मैंने ये करना है, आपको सिर्फ ध्यान ही रखना है, ये हमारा है पावर स्विच, जिसे हम ऑन ऑफ स्विच भी बोलते हैं। ये हमारा वॉल्यूम डाउन, ये वॉल्यूम अप, जूम करके दिखाऊंगा आपको, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर स्विच, ये तीन स्विच हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना है, स्विच ऑफ करना है। यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया है, हो गया स्विच ऑफ। अब हमें स्विच ऑफ करने के बाद कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें पावर स्विच को क्लिक करना है, पावर स्विच एंड वॉल्यूम अप, वॉल्यूम आवाज़ ज़्यादा करने वाला स्विच और फ़ोन को बंद करने वाला स्विच, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे और प्रेस करके होल्ड करेंगे, दबा के रखेंगे जब तक हमारा एमआई का लोगो नहीं आ जाता। ये हमने दोनों को एक साथ दबाया और ये हमारा रेडमी का लोगो आ गया और हमने इसको रिलीव कर दिया, छोड़ दिया। और जैसे हमने इसको, तो इस तरह से हमारा आपका ये तीन ऑप्शन आपको आ जाएंगे। जैसे ऑन हो जाएगा, रीबूट, वाइप डेटा, कनेक्ट विथ, हमें कुछ क्या करना है, सिंपल सा वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है, वॉल्यूम अप से ऊपर जाना है और ऑन ऑफ स्विच से ओके करना है। अब हम करेंगे, हमें सबसे पहले वॉल्यूम डाउन से हम नीचे आएंगे, वाइप डेटा में, वाइप डेटा में आ गए, हमें पावर स्विच से क्लिक करना है। आप पावर स्विच से, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया वाइप डेटा में, ओके। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, वाइप डेटा और बैक टू मेन मेनू, हमें वाइप डेटा में ओके करना है पावर स्विच से, ये हमने किया। यहाँ पे हमें ये मैसेज आ रहा है, कंफर्म वाइप अप ऑल डेटा, तो हमें ऊपर है कैंसिल, नीचे कंफर्म, कैंसिल करेंगे तो बैक चले जाएगा और कंफर्म करेंगे तो ये प्रोसेस में चले जाएगा। हमें वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है कंफर्म में और पावर स्विच से फिर ओके कर देना है। इस तरह से ये हमारा वाइप होना स्टार्ट हो गया है, हमारा फ़ोन फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा वाइप सक्सेसफुली, पासवर्ड हटना स्टार्ट हो गया। तो हमें इसमें एक ही ऑप्शन हमें आ रहा है, बैक टू मेन मेनू, हमें पावर स्विच से ओके करना है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे रीबूट आएगा आपको, आपको पावर स्विच से ओके कर देना है रीबूट को, यहाँ पे फिर आपको पावर स्विच से ओके कर देना है रीबूट टू सिस्टम। तो ये हमने रिबूट टू सिस्टम कर दिया है, आप ये हमारा टोटली इस तरह से वाइप होना स्टार्ट हो गया है, हमारा फ़ोन वाइप होना स्टार्ट हो गया है। और इस प्रोसेस में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर मैं आपको आगे ऑन करके भी इसको दिखाऊंगा। इस तरह से स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आपको पूरी दिखनी होगी, एक बार आप पूरी देख लीजिए, उसके बाद आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तभी आप प्रॉपर कर पाएंगे। मेरे को पीछे प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ लोग कमेंट्स आते थे मेरे को, और भी मेरे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं लॉक के ऊपर और हर एक फोन के ऊपर, तो मेरे को लोग बोलते हैं यार मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। क्या करते हैं लोग, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं,
आधी वीडियो में स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, समझ में आता नहीं है उनसे काम, फिर उनका फ़ोन अनलॉक होता नहीं है, तो फिर मुझे कमेंट करते हैं कि आप मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ, आपने वीडियो गलत बनाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे पहले आप, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को देखिए उसके बाद कीजिए। ये इस तरह से हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है धीरे धीरे करके, टाइम लगता है। अब ये लगभग हमारा ऑन हो चुका है, अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करके मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको मुझे लाइव दिखाना है कि हमारे फ़ोन का पासवर्ड हटा है या नहीं हटा है, ये तो मुझे आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। अब एक्टिवेट भी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, स्किप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा हमें। स्किप कर देंगे हम, अभी लॉक नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि पहले हमें चेक करना है कि हमारा पासवर्ड हटा है या नहीं हटा है। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है इसका एक्टिवेट करने का भाई, क्योंकि अब ये जो MIUI का सिस्टम काफ़ी चेंज हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ऐप को पूरा अपडेट करेगा एक बार ये। तो इस तरह से हमारा ये ऑन हो चुका है फ़ोन, और हम अभी चेक करेंगे। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि हमारा पासवर्ड इसमें से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। ये दोस्तों हमारा पासवर्ड इसमें से रिमूव हो चुका है, अब हम इसको फ्री होके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप अपने MI फ़ोन का पासवर्ड कैसे हटा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वारी होती है तो मुझे बताइए, इसके कोई सजेशन देंगे मुझे, कोई टिप्स देंगे तो मुझे बताइए प्लीज़। और बाकी मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक होगा हमारा। जय हिंद।